मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ, वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड का बंगलों पर रहना चाहते थे। जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो दूल्हा कोई भी नहीं है, यहां तक कि राहुल जी ने तो शादी ही नहीं करी तो दूल्हा बनने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा उन्हें। और जितने भी दूल्हा हैं ये सारे 70 के ऊपर हैं, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चाहे खड़गे जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे जयराम रमेश जी हो, ये सारे के सारे जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ना बंगला चाहिए सिंधिया जी को, ना मंत्री पद चाहिए सिंधिया जी को। सिंधिया जी को चाहिए सम्मान, मान मर्यादा, और उनकी जनता और उनके प्रदेश की जनता के काम और विकास क्षेत्र में, जो कांग्रेस पार्टी देने में अक्षम साबित हुई। और यही कारण से हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे दी। कांग्रेस पार्टी खत्म की ओर थी, उसको जिंदा करने के लिए ये रोड की शो किया गया है, तो मैं नहीं समझता उससे कोई बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देखने के लिए भीड़ आती है। अगर आप मेले में भी जाएंगे, सर्कस में भी जाएंगे, तो विभिन्न प्रकार के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, तो लोगों लगता है उत्साह रहता है कि हाँ देखेंगे, देखने के बाद सब अपने काम में। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।